एक दो लाख के लिए आप 10 लाख रोके हुए इनका, आपकी एक महीने की तनख्वाह रुक जाए तो क्या होगा? 6 साल से आप ना पेंशन दे रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? 5 लाख काफी होते हैं? 5 लाख से इनके बच्चों की शादी हो जाएगी, 5 लाख से इनका घर बन जाएगा? ये लीव इनकैशमेंट का पैसा इतने दिन क्यों रोक के रखा इनका? कौन सी इंक्वायरी? कितने अमाउंट के? कहाँ उसका रिकॉर्ड कहाँ है इंक्वायरी का? नहीं मतलब कहाँ कहीं लिखा आपने कि इंक्वायरी पेंडिंग है? तीन पनिशमेंट बताया आपने डाइस नोन के, उसके अलावा कौन सी इंक्वायरी पेंडिंग? डिपार्टमेंट इंक्वायरी कौन सी पेंडिंग है? ये तीनों पनिशमेंट जो इनके अनऑथराइज एब्सेंस के थे, जिसमें ब्रेक इन सर्विस किया, तो उसमें रूल 27 कहाँ लगता है? इसमें तो रूल 27 में लिखा है कि दिस एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, ऑथराइज लीव ऑफ एब्सेंस, अनऑथराइज एब्सेंस इन कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑथराइज लीव। तो CCA वो कहते हैं इसको रेगुलराइज कराना पड़ेगा, इसमें रेगुलराइज की जरूरत ही नहीं, लगता ही नहीं 227। तो इनकी तो कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस मानी जाएगी, आप किसी का 2 दिन के एब्सेंस में ब्रेक इन सर्विस कर देंगे तो उसका पूरी पेंशन फोरफीट हो जाएगी उसकी। एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप डाइस नोन में तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि किसी की पेंशन फोरफीट होती हो, फिर सब मेजर पनिशमेंट हो जाएगा, फिर तो बिना इंक्वायरी के नहीं कर सकते आप। डाइस नोन इज ऑलवेज अ मेजर पनिशमेंट, और उसका इफेक्ट में अगर पेंशन भी खत्म जाए हो रही है तो और बड़ा मेजर पनिशमेंट हो जाता है वो। और तीनों इंक्वायरी में इनका कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी हुई तीनों पनिशमेंट में? डाइस नोन इज अ मेजर पनिशमेंट, अगर उसको आप ब्रेक एंड सर्विस ट्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करना पड़ेगी आपको। चलिए बुलवा लेते हैं, रिकॉर्ड भी बुलवा लेते हैं इनका, और आपके CCO को भी नोटिस कर देते हैं, कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट को। और कौन है नेसेसरी पार्टी? चलिए, इनकी OA इन्होंने ये 4 पनिशमेंट चैलेंज किए थे, दो हैं, नहीं 31.7.11 टू 23.11.23 एंड 21.13 टू 26.7.15। और इफ दीज टू पनिशमेंट गोज देन, इफ दीज टू पनिशमेंट ऑर्डर गोज देन ही विल बी एंटाइटल फॉर पेंशन। तो इस पर क्या कहना है इनके रिप्लाई, इसका क्या रिप्लाई दिया आपने? ट्रिब्यूनल में नहीं दिया था OA का रिप्लाई? वहां तो दिया था ना, तो वो सेम रिप्लाई यहाँ देखा जाएगा। ये कहाँ है पनिशमेंट ऑर्डर ये दोनों? ये दोनों पनिशमेंट ऑर्डर आपने इंक्वायरी के बाद किए? एक मिनट मिस्टर, प्लीज कीप क्वाइट। डाइस नोन इज अ मेजर पनिशमेंट, यू कांट इम्पोज विदाउट होल्ड कंडक्टिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो ये दो ऑर्डर आपने डी करके किए हैं क्या? नहीं किए। इनकी पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है? CCA। तो CCA को ऑर्डर करना पड़ेगा इनकी पेंशन फोरफिट का, आप नहीं करेंगे। तो CCA का तो कोई ऑर्डर नहीं इनको पेंशन फॉरफिट करने का।
तो फिर क्यों इनको पेंशन नहीं मिल रही? आप जिस रूल को डाइस नोन को ट्रीट कर रहे हैं कि इससे पेंशन फॉरफिट हुई है, इससे थोड़ी होगी। तो रूल 27 में सैंक्शनिंग अथॉरिटी करेगा। बाकी पैसा आपने क्यों नहीं दिया? पेंशन छोड़ दीजिए, जो ग्रेचुटी आज जो आप लीव इन्कैशमेंट का इतने साल बाद दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिए? वो तो फॉरफिट नहीं होगा ना। यस जीएम साहब, कौन है आप? हुज विथहेल्ड दैट अमाउंट? हाँ, क्यों विथहेल्ड हुआ? कितने अमाउंट का उसको रीओपन किया क्या आपने? केस को रीओपन किया? ये कह रहे हैं कि पास हो गया था, कितने का बिल है वो? कितने का बिल? हैं? और ये कितना अमाउंट रोका था आपने? आज कितना दिया इनको? आज कितना पेमेंट किया थी? कितना है? 1-2 लाख के लिए आप 10 लाख रोके हुए इनका? कितने साल हो गए इनको रिटायरमेंट हुए? कितने साल हो गए रिटायरमेंट हुए? 18 से। फिर आपकी 1 महीने की तनख्वाह रुक जाए तो क्या होगा? 2018 से 2 साल और ये 6 साल से आप ना पेंशन दे रहे हैं ना पैसा दे रहे हैं। Who is responsible for this? 5 लाख काफी होते हैं? किस पोस्ट से रिटायर हुए हैं? जो भी हो, 5 लाख से इनके बच्चों की शादी हो जाएगी, 5 लाख से इनका घर बन जाएगा। 10 लाख रुपए आप 6 साल से रोके हुए, लीव इनकैशमेंट कहाँ एडजस्ट होता भाई? उनका खुद का पैसा है वो तो टर्मिनेशन में भी फोरफीट नहीं होता वो हो।